चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के ड्रग माफिया का कनेक्शन इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिलता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस प्रकार से ड्रग माफिया का इन्वॉल्वमेंट इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिलता है, और उससे पहले भी बॉलीवुड और अभिनेता अभिनेत्रियों का ड्रग एंगल हमें सामने आता है, उस बात को लेकर मैंने सूचना प्रसारण मंत्री जी को पत्र लिखा है और ये निवेदन किया है कि बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर फिल्म और सीरियल की शूटिंग के पहले कलाकारों का डोप टेस्ट हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो ड्रग ना लेते हों। जिस प्रकार से खेल के मामले में इस तरह का प्रयोग होता है और हर प्रतियोगिता के पहले खिलाड़ी को डोप टेस्ट के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो ड्रग ना लेता हो। कोरोना काल में अनलॉक के बाद भी जो फिल्मों की शूटिंग हुई उसमें कोरोना टेस्ट के बाद ही शूटिंग अलाउ की गई, इसी तरह डोप टेस्ट हो और उसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाए कि बॉलीवुड में कोई भी अभिनेता अभिनेत्री या उससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ड्रग में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि केवल एक जगह पाबंदी लगा देने से काम नहीं चलेगा, परंतु ये इसकी शुरुआत हो सकती है। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था बनाई जाए और खासकर बॉलीवुड के कलाकार आ गया। मुझे प्रसन्नता है कि मेरा पत्र लिखने के बाद बहुत सारे कलाकारों ने इस बात का समर्थन किया है। तो आए अमिताभ बच्चन जी, देखिए उन्होंने कभी शराब नहीं पी, वो दुनिया के सबसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े कलाकार। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिख दी, उन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया। तो कलाकार का एक उजला पक्ष भी है बॉलीवुड का अमिताभ बच्चन जी जैसा, तो उसको आत्मसात करें उनके हिसाब से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।